निश्चल मुस्कुराहट के बीच हमने आपको अब तक दिखाया कि बच्चे यहाँ पर आके बैठते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो में आपने देखा कि जो इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं वो यहाँ पर आकर बैठते हैं, एक साथ वह अपना गाना गाते हैं और उसके बाद उनको दिया जाता है एक कागज़ जिसमें चित्र तो बना हुआ है परंतु उस चित्र में रंग इन बच्चों को भरना है निश्चल मुस्कुराहट के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बोर्ड पर जवाहर बाल मंच दिल्ली चिल्ड्रंस डे ड्राइंग कंपटीशन, वी आर इनवाइटिंग टू ऑल चिल्ड्रन, ये एक प्रकार का ड्राइंग कंपटीशन है। इसी बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अरुण भारद्वाज कोऑर्डिनेटर दिल्ली स्टेट जवाहर बाल मंच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाएं। जी, आज जो है चिल्ड्रंस डे है, विश्व बाल दिवस है। विश्व बाल दिवस के मौके पर आज नेहरू जी को याद करते हुए हमने यहाँ पे बाल मंच का जो है प्रोग्राम सजाया हुआ है, जिसमें पूरी भूमिका गांधी आश्रम निभा रही है। हमारे अपने जितने भी साथी हैं यहाँ पे तिमारपुर के, वो सारे लोग निभा रहे हैं। तो यहाँ आज बच्चों को जो है थोड़ा सा बच्चों के बीच में बैठने का मन था, इन बच्चों के साथ हम लोगों का हरदम जुड़ाव रहा है, कुछ ना कुछ हम इन बच्चों के लिए हरदम करते रहते हैं। तो पूरी दिल्ली के बच्चों को जो है हम आह्वान करते हैं आने वाले टाइम में कि फ्रीडम फाइटर्स के बारे में उनको जो है ना बेसिक जानकारी हो, उनके बारे में वो जाने, उनका ये हक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये निश्चल मुस्कुराहट के साथ छात्र और छात्राएँ मौजूद हैं जो इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट थे। इसी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरिजन सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार शान्याल। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। किस तरीके से देखते हैं सर इस तरीके की प्रतियोगिता, क्या प्रभाव डालेंगे छात्र और छात्राओं पर? इस तरीके का प्रतिभा का विकास होता है और ये प्रतिभा का विकास के लिए हरिजन सेवक संघ गांधी जी का जो चिंतन है समाज के सबके विकास का, ये समाज का ये बड़े कोई नहीं है, सबका समाज का सर्वस्तर में काम करना और ये बच्चा के लिए हमारा ये हरिजन चेष्टा किया उसमें इतना महत्वपूर्ण जगह है जिसमें गांधी जी था और यहाँ इतना बच्चा रहते हैं और ये बच्चा अंकन प्रतियोगिता, कभी स्पोर्ट्स, कभी ये दूसरे प्रतियोगिता जो होता है, रिसाइटेशन, इस तरीके का प्रतियोगिता माध्यम से अच्छा मानविकता का विकास होता है। हमारा स्कूल का जो एक स्टूडेंट ऐसा ही बच्चा था, वो भारत का राष्ट्रपति हुआ। बहुत आदमी विश्वास नहीं करेगा, हमारा केरल में एक स्कूल था जो स्कूल हरिजन सेवक संघ का एक छोटा सा बच्चा वो स्कूल में पढ़ते रहे और इतना अच्छा पढ़ने का यह था, उसको बाद में स्कॉलरशिप मिला और स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो और आगे गया, फॉरेन में पढ़ा, उसका बाद उस डिप्लोमेट हुआ, एम्बेसडर हुआ, एमपी हुआ, मिनिस्टर हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, बाद में राष्ट्रपति भी हो गया। उनका जिंदगी में हर जगह में लिखा है आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ हरिजन सेवक संघ। हरे सारे देश में हमारा करीब 300 ऐसा सर, उनका नाम के आर नारायण, भारत का राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति था, जो वो हमारा स्कूल का स्टूडेंट है, हमारा स्कूल का स्टूडेंट आईएएस आईपीएस प्रोफेसर डॉक्टर बहुत हुआ और बहुत सा ऐसा है फर्स्ट जनरेशन का लिखा पड़ा, फर्स्ट जनरेशन से पास करने के पढ़ने के बाद वो आया और पढ़े और उसके बाद में उसका स्कॉलरशिप, कल भी हमारे साथ कल ना परसों भी हमारे पूर्व राष्ट्रपति से चर्चा हुआ, रामनाथ कोविंद जी बोलता है जो अच्छा स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देना चाहता है, रामनाथ कोविंद जी बोलते जो आपका स्कूल का हम अच्छा स्टूडेंट को ये देना है। इस काम के लिए हम सबको जुड़ना चाहिए और छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब भेदभाव भूल के
जाति धर्म वर्णों संप्रदाय सब बोल के हम सब मानवता का इस तरीके का जितना कंपटीशन होगा ये लोग कितना इंटरेस्टेड है और कितना इसमें दिलचस्प भी होगा दे वांट दे लव इट तो इसको एक और प्रश्न है कि जिस तरीके से आज के युवाओं को कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति जो ज्ञान का अभाव है उसको प्रतियोगिता किस तरह प्रोत्साहित करता है देश के स्वतंत्रता के लिए जो शामिल था उसका त्याग का तो कोई तुलना नहीं है आज जोर बाल केंद्र प्रतिष्ठान में आकर एक कॉम्पिटिशन कराया जवाहरलाल ने जन्मदिन 14 नवंबर उस दिन बाल दिवस आए था ये बाल दिवस जातीय बाल दिवस आए अंतर्जातीय बाल दिवस तो इसमें बाल बच्चा को हम कितना डेवलप कर सकता है और उसके कॉम्पिटिशन का एक ये हो आदमी होने का सही आदमी होना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने बताया मैन मेकिंग आता है हर बाप माँ चाहता है हमारा बच्चा अच्छा डॉक्टर हो अच्छा इंजीनियर हो अच्छा लॉयर हो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कोई नहीं चाहता है अच्छा आदमी हो हम लोग चाहते हैं अच्छा आदमी हो जो अच्छा आदमी हुआ हो वो ऑटोमेटिकली वो अच्छा ये होगा डॉक्टर होगा इंजीनियर होगा जो अच्छा आदमी नहीं होगा सभी जगह में खत्म अच्छा आदमी करना चाहिए ये काम हम एक संदेश जो हमारे चैनल के थ्रू आप देशवासियों को देना चाहें और जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का जिम्मा संभाला है उनको भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू एक हमारे जो हमारे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और जो भी इस कार्यक्रम का जिम्मा जिन लोगों ने संभाला है उनको आप क्या कुछ कहना बात है जन सेवक संघ का तो काम चलता ही है जैसे अरुण भारद्वाज अभी वो इनिशिएटिव लेके काम किया तो इस तरीके के साथ अभी आगे आना चाहिए जिसका सोशल इम्पैक्ट सोशल कॉन्सेप्ट है और सामाजिक काम में हर आदमी को आगे जाना चाहिए अरुण भारद्वाज जी इस काम में आगे आया हमारा स्वागत है मैं चाहता है इस तरीके का अच्छा अच्छा आदमी काम में आए और हम भी चाहते हैं अरुण भारद्वाज जी कि आपके साथ और भी कुछ लोग आए जो जुड़े जिस तरीके से आपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया इस प्रकार से और भी लोग आपके साथ आके जुड़े ताकि और भी भव्य रूप से ये प्रतियोगिता उभर के आए स्लोगन है मैं हर मीटिंग में बोलता है सारा देश भर जाता है मेरा फेसबुक अगर आप लोग ये स्टडी करेगा ये जोड़ो जोड़ो तोड़ो मत आज तोड़ने का काम हो रहा है जितना जोड़ेगा उतना अच्छा है तुमसे हम जुड़ा है अच्छा हर आदमी से जुड़ना है जुड़ने का समय ये तो दुनिया भर हमारा जय जगत मंत्र जो है सबको जुड़ने का इसी काम में तो जोड़ो जोड़ो और तोड़ो मत के साथ ही इस रिपोर्ट में अभी इतना ही बाकी की रिपोर्ट के लिए देखते रहिए देशहित न्यूज़।